हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज कुमार शुक्ला। आज अपना सेशन रहेगा हिंदी पे। यह है समास पार्ट टू पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देख लिया है समास का पार्ट वन, मैंने कंप्लीट कर दिया ऑलरेडी। वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा और उसके बाद ही पार्ट टू देखिएगा। वहाँ पे मैंने आधे समास खत्म कर दिए और आधे आज खत्म कर दूंगा, ठीक है? जैसे दिगु वगैरह रह गए थे, दिगु बहुब्री है ना, तो ये सारे कुछ आज खत्म करेंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं फिर, है ना, आज का सेशन जल्दी से। अब देखिए, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ वो चीज़ें जो आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। जैसे कि ये रहा, ये तत्पुरुष, ठीक है? तत्पुरुष जो है, इसके मैंने आपको दो पार्ट पढ़ाए थे, याद होगा आप सभी को। जो एक तो था व्याधिकरण, ये क्या था? व्याधिकरण, राइटिंग के लिए थोड़ी सी मुझे माफ़ कर देना। एक है व्याधिकरण और एक था आपका समानाधिकरण। क्लियर है? ये दोनों के दोनों, ये दोनों समास तत्पुरुष दो भागों में बंटता है, एक इसमें एक इसमें। हालांकि मूल रूप से समानाधिकरण उसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना? ये मूल रूप से इसका पार्ट नहीं माना जाता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसे इसी तरह से लिखते हैं। ये ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, समानाधिकरण को इस तत्पुरुष का फिर मूल रूप नहीं है ना, ये मूल रूप नहीं है उसका, है ना, नहीं है उसका। क्लियर हुई बात? लेकिन फिर भी उसमें रखा ही जाता उसे। तो व्याधिकरण आपने देख लिया था, व्याधिकरण में मैंने सब कुछ बताया था, कर्ता ने कर्म से वो सारा कुछ वो जो था वो व्याधिकरण में आता है। तत्पुरुष का रियल मीनिंग जो होता है व्याधिकरण में ही आता है, ठीक है? समानाधिकरण, मैं फिर से बोल रहा हूँ, समानाधिकरण तत्पुरुष में नहीं आता। हाँ, लेकिन इसमें ये दो चीज़ें जो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, कौन कौन सी? एक आपका कर्मधार है जो कि आप उस वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और एक आपका होता है द्विगु। क्लियर है बात? ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। क्लियर? क्लियर? इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र होते हैं दोनों के दोनों। इनको समानाधिकरण कहा ही जाता है, ये तो बिल्कुल तय है। हाँ, लेकिन समानाधिकरण को तत्पुरुष में नहीं रखा जाए, ये भी बिल्कुल सही है। वो मूल रूप से उसका नहीं होता तत्पुरुष का, लेकिन फिर भी जब उसे लिखा जाता है तो उसमें रख दिया जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ थोड़ी छोटी बातें थी। चलिए आगे देखते हैं अब क्या क्या। अब आपको कर्मधारय समास में मैंने क्या क्या बताया था। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसके दो पूर्व पद है ना। अब पहले तो ये समझ लो पूर्व पद क्या। यहाँ देख लीजिए, शब्द होता है, शब्द होता है, इसके आगे जो शब्द लिखा हो उसे कहते हैं पूर्व पद, है ना, शब्द के आगे का, और जो उसके बाद में लिखा हो उसे कहते हैं उत्तर पद। अब कर्मधार में क्या मैंने बताया था आपको, ध्यान से देखिए सबके सब। एक मैंने बताया था आपको कि हो सकता है कि पूर्व पद में आपके लिए विशेष्य रख दें और उत्तर पद में वहां पर विशेषण रख दें, ठीक है? अब विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं? विशेष्य क्या होता है भाई? जिस चीज की विशेषता बताई जाएगी उसे कहते हैं विशेष्य, और जो वर्ड विशेषता बताएगा उसे कहते हैं विशेषण। ये एडजेक्टिव होता है, इसे एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना? जो भी वर्ड विशेषता बताता है उसे विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं, और वो चीज जिसकी विशेषता बताई गई उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है? ये नाउन वाउन जैसे हो गया कुछ। चलिए अब आगे देखिए। अब यही जरूरी नहीं कि पूर्व पद विशेष्य हो और उत्तर पद उसका विशेषण हो, बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है कि ये हो विशेषण, ये हो विशेषण, और ये बन जाए क्या? विशेष्य। क्लियर हो रहा है? ये बन जाए विशेषण और ये हो जाए विशेष्य। या फिर हो सकता है कि दोनों के दोनों, ये भी बन जाए विशेषण और ये भी बन जाए विशेषण। क्लियर हो रहा है? या फिर बिल्कुल उल्टा हो सकता है कि दोनों के दोनों विशेष्य बन जाए। समझ आ रही बात? तो ऐसे कोई भी चार चीजें अगर मिल जाए तो वो सारी की सारी किसमें आती हैं? कर्मधारय में। बस नाम का फर्क है। अब देखिए, नाम किस पे होता है? इनके पूर्व पद पर डिपेंड करता है। ये देखो, अगर शुरू का पद विशेष्य माना जाए, ठीक है, पहला विशेष्य हो और बाद में विशेषण हो, तो इसे कहते हैं, क्योंकि पूर्व में वो लिखा हुआ है, तो क्या कहोगे? इसका नाम भी कैसा बनता है? विशेष्य, क्योंकि पूर्व में है इसलिए पूर्व पद, और कौन सा समास का भाग है ये? कर्म धारय समास। समझ गए? तो इसे कहते हैं कर्म धारय समास। अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया था, याद होगा आपको? एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि पुरुषोत्तम, है ना, पुरुषोत्तम क्या बोलते हैं इसे? पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, ये मालूम है सभी को, है ना? अब ये देखिए, पुरुष दिख रहा है आपको, पुरुषों में उत्तम जो होता है वो ये बंदा होता है, तो दिख रहा है ये पुरुषोत्तम किसका भाग हो गया? विशेष्य। इस तरह से आप विशेषण देख लो, इसे क्या कहोगे? जिस तरह से इसे कहा था विशेष्य पूर्व पद, तो उसे कहोगे क्या? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। क्लियर हो रही बात? इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था लास्ट टाइम? महात्मा, है ना, क्या लिखा था इसके लिए? महान है जो आत्मा। समझ पा रहे हो उस चीज को? महान है जो
आत्मा, ये इसका मतलब है ना। अब देखिए यहाँ पर ये आत्मा महान है, तो आत्मा की विशेषता बताई गई है, इस वर्ड ने बताई विशेषता, तो इसे क्या कहोगे आप, विशेषण। इसीलिए क्या लिखा है, विशेषण पूर्व पद, यानी पूर्व पद में ये देखो महा लिखा हुआ है, महा मतलब आत्मा, तो ये शब्द में आगे लगा है महा यानी कि महात्मा है, तो आगे लगा यानी पूर्व पद, और लिखा है क्या विशेषण है, क्योंकि विशेषता बता रहा है किसकी, आत्मा की, समझ गए। तो ये काम है। और ये देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे आप जानते हैं विशेषणो भय पद, है ना, जब दोनों वो हो, विशेषणों भय पद। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, जैसे कि मोटा, ताजा, ठीक है, यहाँ पे ये लगा लो इस तरह से, सीधा सीधा, सादा, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि आपको ये लगता है कि इस तरह से देखते हुए ये होगा कोई द्वंद्व समास, है ना, लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास में और इसमें एक बड़ा पैरा डिफरेंस है, वही है, देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे माता पिता एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आप द्वंद्व समास में देखो, दोनों लिखने के तरीके बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, विशेषणों भय पद में भी और द्वंद्व समास में भी, बस फर्क क्या है कि ये जो चीज़ लिखी जाती है सिर्फ एक ही के लिए लिखी जाती है, हाँ, लेकिन यहाँ पर जब आप उसको इस तरह से लिखते हैं तो ये कोई अलग चीज़ होती है, ये कोई अलग चीज़ होती है। इसको आप लिंग के हिसाब से भी समझ सकते हो, बिल्कुल विपरीत होंगे, हाँ, लेकिन सीधा साधा मैं एक ही व्यक्ति को कह सकता हूँ, ये किसी एक के लिए, इसीलिए विशेषणों भय पद यानी कर्मधारय कहेंगे, हाँ, लेकिन अगर मैं लिखना शुरू कर दूँ माता पिता तो बिल्कुल अलग अलग लिंग के हैं, तो क्या कहोगे इनके लिए आप, ये द्वंद्व समास है, हाँ, लेकिन सीधा साधा द्वंद्व समास नहीं होता है, समझ गए। और ये देखिए एक लास्ट जो है अपना, इसे क्या कहोगे, विशेष्यो भय पद, विशेष्यो भय पद, ये कर्मधारय समास है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने स्त्री रत्न दिया था आपको, क्लियर हो रही है बात। तो ये सारा कुछ आपने पढ़ा था कर्मधारय में, ये सारा कुछ आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां से द्विगु समास से, क्लियर है। देखिए तो देखिए आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने शुरू किया द्विगु समास से, ठीक है। देखिए द्विगु समास का मतलब क्या होता है, सीधा समझ लीजिए, सामने मैंने क्या कहा था आपसे, पूर्व पद। अब आप ये तो जानते हैं कोई भी शब्द हो उसके जो आगे मिलता है उसे कहते हैं पूर्व पद, और जो पीछे मिले उसे कहते हैं उत्तर पद, ये तो क्लियर है सभी को। अब भाई पूर्व पद अगर किसी का नंबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं ना आपको, द्विगु समास, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सप्तऋषि, क्या लिखा, सप्त यानी सेवन, आगे वाला नंबर मिल गया, क्या बन गया ये, द्विगु समास। इसी तरह से देखो त्रिभुवन, त्रि यानी कि तीन, तीन मिल गया, क्या बोलोगे इसे भी, द्विगु समास। इस तरह से सत सही है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी हुआ भी था, ये बहुत जगह पूछा भी जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिए इसको। सत सही मतलब 700 संतों का समूह होता है, सत सही है ना, इसको इंपॉर्टेंट रखिए, ये आपको मालूम रहते हैं ज्यादातर, ये जो थोड़े से नए नए आ जाते हैं इन पर थोड़ा सा आपको निगरानी रखनी है, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये था आपका द्विगु समास, ठीक है। अब अगला देखिए भाई, अगला हमारा द्वंद्व समास है ना। अभी मैंने आपको बताया था द्वंद्व समास में दिक्कत क्या होती, सीधा साधा बोलेंगे, माता पिता बोलेंगे तो बिल्कुल फर्क पड़ता है उसमें, समझ गया, सीधा साधा दोनों विशेष्य याद है, भयो पद दोनों था, और माता पिता लिखा था तो वो अलग बात थी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब द्वंद्व समास जो है आपको मालूम है इस तरह से जुड़ी जुड़ी में आते हैं ये, ठीक है, जैसे माता पिता ये सब, ये तीन प्रकार के होते हैं। अब आजकल क्योंकि डिटेल में पूछते हैं इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना भी चाहिए इसे, इतरेतर है ना, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक, ये तीन तरह के होते हैं भाई, इतरेतर होते हैं, समाहार होता है और एक वैकल्पिक होता है, ठीक है। सबसे पहले इतरेतर बात करेंगे, इतरेतर द्वंद्व समास जो होता है उसका मतलब, इतरेतर का मतलब ही होता है अलग, यानी बिल्कुल अलग अलग, और इसकी पहचान होती है कि बीच में हमेशा और मिलता है ना, इसमें सभी शब्दों में जो है वो और से जुड़ते जुड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आप देख रहे होंगे अगर मैं लिख दूँ इस तरह से राम कृष्ण, तो बनी बात है ये कैसा लिखा गया होगा, अगर तोड़ूंगा तो राम और कृष्ण, हाँ, लिख दूँ माँ बाप तो भी इसका मतलब क्या है, माँ और बाप, क्लियर हुई बात। तो इनकी पहचान होती है इतरेतर की, द्वंद्व समास की, कि उसमें क्या रहता है, और रहता है, ठीक है, थोड़ा सा है बट और समझ जाएंगे आप धीरे धीरे। देखिए अगला है हमारा समाहार, समाहार का मतलब क्या है कि जब दो पदों के अर्थ के अलावा कोई अन्य अर्थ निकल जाए, है ना, अन्य अर्थ भी निकल जाए तो उसे कहते हैं समाहार। मतलब ये है कि इसमें और वाला तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन और वाले के साथ कुछ और भी अर्थ निकलेगा। यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर कर लीजिए, यहाँ पे और लगाओगे तो सिर्फ एक ही अर्थ रहेगा, हाँ राम और कृष्ण, और कुछ नहीं निकाल सकते इसका अर्थ, ठीक है, माँ और बाप, वहाँ सिर्फ एक ही अर्थ। लेकिन इनमें आप जैसे देखोगे, जैसे मैं बोलूँ दाल रोटी, दाल रोटी अगर लिख दूँ तो हाँ इसमें आप, ये एक तरीका तो लिखने का बिल्कुल इसके जैसा है ना, दाल रोटी तो है, लेकिन सिर्फ इसका एक ही तरीका नहीं है। सपोज करो इसको वाक्य में अगर मैं बोलना चाहूँ तो कैसे बोलूँगा, दाल रोटी चल रही है कोई बोले, तो इसका मतलब क्या होता है कि जीवन यापन चल रहा है, वो ये कह रहा है, समझ गए। तो कोई भी चीज़ जिसमें और हो, लेकिन वो और के साथ तो हो ही हो, लेकिन अगर उसका एक और अर्थ आता हो, जिस तरह से ये अभी आ गया, ठीक है, सपोज कोई बोल दे कि दाल रोटी चल रही है, तो फिर यहाँ पर वो ये नहीं कहेगा कि दाल और रोटी चल रही है, सिर्फ इसका मतलब अभी दाल रोटी चल रही है, इसका मतलब हो गया कि वो ये कहना चाह रहा है कि जीवन यापन मेरा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, समझ गए। तो ये होती चीज़ें कहने की। अब आपको कैसे समझ में आएगा, इनकेस आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो ये ध्यान रखिए, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं बहुत बार पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, बिल्कुल अच्छे से इनको पन्ने पे लिख लो और बार बार देखा करो कि ये दिख गए तो आपके ये द्वंद्व तो समास हैं, लेकिन और अंदर जाके पूछ ले तो याद रखना ये हमेशा समाहार रहेंगे। कौन कौन से, हाथ पाँव, सांप बिच्छू, नोन तेल, घर द्वार और खाना पीना, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखिए वैकल्पिक वाला, अब देखिए ये रहा अपना वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है, इसमें देख सकते हो आप ये ऐसे समास होते हैं जो या
अथवा ये दोनों के लोप से बने होते हैं, ठीक है, यानी इनमें ये चीज़ होती होती है। जैसे कि सपोज करो मैं लिख दूँ थोड़ा और बहुत, ये द्वंद्व समास तो है लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, तीसरे थर्ड पार्ट की। तो आप देख रहे हो कैसे लिखोगे थोड़ा और बहुत, और अगर ऐसा लिखा तो ये बिल्कुल हो गया गलत, क्योंकि थोड़ा और बहुत दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो थोड़ा होगा या तो बहुत होगा, समझ गए। इसीलिए कहा जाएगा इसे सही तरीका क्या होगा, थोड़ा या बहुत, क्लियर हुई बात। और या लग गया तो द्वंद्व समास में भी कौन सा समास होगा, ये वैकल्पिक, क्योंकि नाम ही है विकल्प देने वाली चीज़। या सपोज करो आप लोग, बहुत लोग को मैंने देखते बोलते भी सुनता हूँ मैं, सुख और दुख ऐसे बोलते हैं जबकि वो पूरी तरीके से गलत होता है। सुख और दुख बोलने का मतलब क्या है, ये दोनों बिल्कुल ऐसा नहीं है, या तो सुख होगा आपके पास या तो दुख होगा आपके पास, एट अ टाइम को एक ही चीज़ होगी, इसीलिए इसे कहते हैं वैकल्पिक, समझ में। इस तरह से जीवन और मरण लोग बोलते, नहीं जीवन या मरण, क्लियर हुई बात, है ना। तो जिनमें या लगता है, जिनमें या अथवा लग जाए वो वैकल्पिक होते हैं, द्वंद्व तो होते हैं लेकिन द्वंद्व में भी वैकल्पिक द्वंद्व होते हैं, क्लियर हुई बात। अब हमारा देखिए लास्ट समास जो है वो है बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब बहुब्रीहि समास का सीधे सा मतलब ये होता है कि अब भाई निकल जाएगा कोई अगला ही अर्थ निकलेगा, बिल्कुल तीसरा बंदा कोई मिलेगा इसमें, सीधी बात, ठीक है। अब देखिए साफ साफ क्या लिखा है यहाँ पे, पीताम्बर, ये क्लियर हो रही बात, पीताम्बर कौन होता है सभी को, पीला है अंबर जिसका, भाई ये कहते हैं श्री कृष्ण को, क्लियर हो रही है बात, श्री कृष्ण को ही कहा जाता है उनका पीला अंबर है, पीला अंबर यानी कि वस्त्र, पीला यानी कि वो कलर में पीला है, क्लियर हो बात। उनके कपड़े पीले रहते हैं इसलिए उन्हें, वो ज्यादातर ऐसे ही पहने रहते हैं इसलिए उन्हें श्री कृष्ण, है ना, सीधे डिनोट कर देगा भाई वो श्री कृष्ण है जिन्होंने पीला कपड़ा पहना हुआ है, क्लियर हो बात। हाँ भाई अब यहाँ देखो एक और बड़ा फेमस है इसलिए मैंने इसे लिया भी, स्टार के साथ लिख लो, बहुबाहु, आपको दिख रहा है ये कौन है भाई, बहुत है भुजाएं जिसकी उसे कहते हैं बहुबाहु, ये और किसी को नहीं है, रावण को कहा गया है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। ये किसे कहा गया, एक रावण को, ठीक है भाई। ये तो होगी सारा को समझने वाली बात, अब आता है मेन मुद्दा, है ना, मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, अब जरा ध्यान से देखेंगे सबके सब, ठीक है। सपोज करो मैंने लिख दिया दशानन, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, दशानन। अब अगर मैं इसको तोड़ दूँ तो इसका असली जो मतलब है वो ये है, दस हैं, दस हों सर जिसके, क्लियर है बात। जैसे ही ऐसा लिखता हूँ तो होता क्या है कि इसके आगे दस लगा है, दस लग गया मतलब नंबर लग गया, और नंबर लग गया तो मैंने आपको बताया था जिसके भी आगे कोई पूर्व पद अगर नंबर हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु, क्लियर हो रही बात। तो एक चीज़ तो ये किसी के मन में डाउट आ सकता है क्योंकि नंबर हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको तो दस है तो ये बन गया द्विगु। हाँ लेकिन अब ध्यान सुनिए, जिसके दस सिर होते हैं उसे कहते क्या हैं एक्चुअली में, फिर से रावण, समझ गए। अब बात है कि अब आपको मालूम है कि दस लगने के कारण ये द्विगु समास भी बन चुका है ना, द्विगु समास भी है, और क्योंकि ये किसी एक को वो कर रहा है तो रावण होने मतलब किसी एक बंदे को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये बहुब्रीहि भी है भाई। अब किसकी सुनोगे आप, है ना, तो ध्यान रखिए ऐसा कोई भी शब्द जो कभी भी तीसरे बंदे को बिल्कुल डिनोट कर दे तो फिर सिर्फ उसी की चलती है, फिर उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं, क्लियर हो रही बात, है ना। फिर दिगु मिगु कुछ भी नहीं आएंगे, फिर भले वो कर्मधारे हो या जो भी हो, एक बार अगर वो किसी बंदे को डिनोट कर गया, है ना, यानी कि अगर वो इस तरह से बन गया कि जैसे मैं बोल दशानन दस हो सर जिसके, तो बनी बात है वो रावण ही होगा, ऐसा वही था। तो अगर ऐसा कहीं पर भी कोई भी शब्द किसी एक तीसरे बंदे को डिनोट कर दे तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, वो क्या होती है, बहुब्री। फिर वो भले ही दिगु लगे, भले ही कर्मधारे लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी तीसरे बंदे को लग गई तो वो होगा बहुब्री, क्लियर हुई बात। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अभी मैंने बताया भी था आपको पीताम्बर, याद है पीताम्बर बताया था, पीताम्बर में क्या बताया था मैंने, पीला हो अंबर जिसका, ये समझा रहा था। अब पीला यानी कि ये तो हो गया कलर, ठीक है, ये कलर बता रहा है उसका पीला। अंबर मैंने अभी अभी बताया आपको वस्त्र, क्लियर हो रही बात। अब ये भी जो है, अब देखिए इसमें होता क्या, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, यहां देख लो पहले, तो ये वस्त्र की विशेषता कौन बता रहा है, ये कलर यानी पीला, तो भाई जो विशेषता बताए उसे कहते हैं क्या, विशेषण, और ध्यान सुनेंगे सबके सब, है ना, अभी भी मैंने बताया था, उसे कहते हैं क्या, विशेषण, और जिस चीज़ की बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य, क्लियर हो रहा है। जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए उसके विशेष्य कहते हैं, और वो शब्द जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो याद आ रहा है आपको कुछ कुछ मैंने बताया कि जब भी पूर्व पद, ये देखो सामने जो लिखा है पीता पीता या पीला, ये पी जो लिखा हो ये सामने लिखा है और इसे कहते हैं पूर्व पद, ठीक है, और पूर्व पद में अभी जो चीज़ लिखी है वो किस चीज़ की विशेषता बताती है, और अगर विशेषता बताती है तो विशेषण है, तो पूर्व पद में क्या लिखा हुआ है, विशेषण, तो ये कौन सा आपको समझ में आ गया, क्या होगा, ये होगा विशेषण, विशेषण, क्योंकि पूर्व में लिखा हुआ है विशेषता बताने वाला शब्द, इसलिए विशेषण पूर्व पद, और ये किसका किसका भाग था, ये कर्मधारय का, अरे समझ में आ गई बात, है ना। तो अगर इस तरह से लिख दूं तो ये समास जो लगता है वो मेन तो लगता है जैसे कर्मधारय होगा, ठीक है, लेकिन फिर से देखिए जरा, इसका एक मीनिंग बिल्कुल सही है कि सामने विशेषण लिखा हुआ इसलिए ये बनेगा, हाँ लेकिन अगर मैं इसको देखूं कि पीला हुआ अमर जिसका, तो ये किसके लिए कहा गया है, बिल्कुल जिस तरह से दशानन किसके लिए कहा गया था, रावण के, उस तरह से पीताम्बर भी किसके लिए कहा गया, श्री कृष्ण के लिए,
समझ में आ रही बात आपके? तो ये भाई मैंने आपसे अभी भी कहा कि अगर किसी तीसरे बंदे को डिनोट कर दिया तो फिर उसके पीछे चाहे कर्मधारय चल रहा हो चाहे जो भी चल रहा हो सारे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही आंसर बनता है कौन सा, बहुब्री। यानी आपसे पूछा जाए कि पीतांबर अगर दोनों हैं, बिल्कुल दिख रहा है दोनों हैं, तो आपको चुनना किसे पड़ेगा, बहुब्री को। दशानन भी अगर दो ऑप्शन देता है, दिगु समाज भी देता है बहुब्री, तो आपको चुनना किसे है, बहुब्री को। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा कुछ। ठीक है गाइस, अगर कोई भी डाउट हो तो इसे एक बार फिर से देख लीजिए, फिर भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।